में देखा जाए तो ऐसी कई रहस्यमयी बातें छिपी हुई हैं जिनके बारे में हम आज तक अनजान हैं, और इन रहस्यमयी बातों को जानने के लिए लोग अक्सर उत्सुक रहते हैं। वहीं आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक और रहस्यमयी खुलासे के बारे में, और ये जुड़ा हुआ है अजंता की गुफाओं से। जी हाँ दर्शकों, आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे अजंता और एलोरा की गुफाओं के रहस्यों के बारे में। चलिए बताते हैं आपको, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अजंता और एलोरा की गुफा बेहद ही प्रसिद्ध है और लोग दूर दूर से इन गुफाओं को देखने के लिए आते हैं। वहीं आर्कियोलॉजिस्टों के अनुसार आपको बता दें कि इसे कम से कम 4000 साल पहले बनाया गया था, लेकिन 4000 साल पहले कौन सी तकनीक ऐसी थी जिनकी वजह से ये शानदार चित्रकारी बनाई गई हैं, जिनकी वजह से ये शानदार आर्ट बनाने के लिए उपयोग किए गए हैं, ये अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। और 40 लाख टन की चट्टानों से बनाए गए इस मंदिर को किस तकनीक ने बनाया होगा, ये वाकई में एक रहस्यमयी बात है। वहीं इस पहेली को सुलझाने के लिए कई लोग आ चुके हैं, लेकिन आज तक ये रहस्य सामने नहीं आया है। बता दें आपको कि कहा जाता है कि गुफाओं के नीचे एक और शहर बसा हुआ है, ये किसी को नजर नहीं आता है, और ये वाकई में हैरानी करने वाली बात है। यहाँ पर दूसरी दुनिया भी बसी हुई है, इस बात से सभी अनजान हैं। इन गुफाओं को कोई आम इंसान या फिर आज की आधुनिक तकनीक तो बना नहीं सकती है। इतना ही नहीं, यहाँ एक ऐसी सुरंग भी है जो इसे अंडरग्राउंड शहर में ले जाती है। तो दर्शकों, आप भी इस चीज को जानकर हैरान रह गए होंगे। वहीं अब बात करते हैं इन गुफाओं के बनाने की। दरअसल खबरों के मुताबिक आपको बता दें कि कहा जाता है कि इन गुफाओं को बनाने में एलियंस ने मदद की थी। इंसान खुद इनको नहीं बना सकते हैं और ना ही इस तरह की तकनीक उस समय मौजूद थी। वहीं कई भारतीय संत तब एलियंस की दुनिया से बात कर सकते थे और ये लोग एलियंस को धरती पर बुला भी सकते थे, और उन्हीं के सहारे इन गुफाओं को बनाया गया था। एलियंस यहाँ पृथ्वी पर आए होंगे और उनके मुताबिक उन्होंने इस खूबसूरत कला को बनाया और इतना शानदार काम किया उन्होंने। गुफा के अंदर भारी भारी पत्थरों को उठाकर लगाया गया है, और इन पत्थरों को खोजने में एलियंस ने ही इंसानों की मदद की थी। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि गुफाओं की खोज आर्मी ऑफिसर जॉन स्मिथ और उनके दल ने साल 1819 में की थी। यहाँ पर वे शिकार करने आए थे और उसी दौरान उन्हें ये 29 गुफाएं नजर आईं, और इसके बाद ये गुफाएं पूरी दुनिया में ऐसी प्रसिद्ध हुई कि हर कोई इन गुफाओं के बारे में जानता है, लेकिन इनके रहस्यों को जानकर हमेशा ही सभी हैरान रह जाते हैं। वहीं आपको बताते हैं कि क्या है ये एलोरा की गुफाएं, आखिर कितनी गुफाएं हैं इसमें। औरंगाबाद से 30 किलोमीटर दूर है एलोरा की गुफाएं, और एलोरा में 34 गुफाएं मौजूद हैं। ये गुफाएं बेलास्टिक की पहाड़ी के किनारे किनारे पर बनी हुई हैं, और इन गुफाओं में जैन बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म की चित्रकारी दर्शाई गई है। वहीं इन गुफाओं में ऐसे कौन लोग रहते हैं, कौन वास करते हैं। दरअसल कहा जाता है कि इन गुफाओं के अंदर देवताओं का वास था। यहाँ पर देवता रहते थे और इसी जगह सालों तक लोगों से छिपी रही हैं ये बातें, और जब इनको खोजा गया तो यहाँ पर जितने भी लोग गए थे यहाँ से एक रास्ता दूसरी दुनिया को भी जाता है, लेकिन ये भी कहा जाता है कि वो रास्ता अब शायद बंद हो चुका है। वहीं इसका निर्माण बेहद ही शानदार है, जो कि काबिले तारीफ है। अब बात करते हैं अजंता की गुफाओं की। जानकारी के लिए दर्शकों आपको बता दें कि औरंगाबाद से 101 किलोमीटर दूर उत्तर में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। इन पहाड़ियों पर स्थित 30 गुफाओं में अलग अलग 5 प्रार्थना भवन बने हुए हैं और 25 बौद्ध मठ बने हुए हैं। इन गुफाओं में 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व तक बौद्ध धर्म और संस्कृति का चित्रण दर्शाया गया है। तो दर्शकों, आपको ये राज जानकर हैरानी हो रही होगी कि अजंता और एलोरा की गुफाएं इतनी शानदार बनी हुई हैं और इसमें ऐसे रहस्य छिपे हुए हैं जिनके बारे में सभी अनजान हैं। वहीं अजंता की गुफाओं में दीवारों पर
खूबसूरत अप्सराएं और राजकुमारियों की मुद्राएं दर्शाई गई हैं, जो कि आकर्षण का केंद्र है और ये युगों युगों की कहानियों को भी दर्शाती हैं। बता दें आपको कि 19वीं शताब्दी की इन गुफाओं को दो भागों में बांटा गया है। एक भाग बौद्ध धर्म के हीनयान और दूसरे भाग में महायान संप्रदाय की झलक देखने को मिलती है, जहां पर हीनयान वाले भाग में दो चैत्य हॉल 4 विहार और महायान वाले भाग में 3 चैत्य हॉल 11 विहार हैं, जो कि मूर्तियां अपने आप में ही सुंदरता को समेटे हुए हैं। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे एलोरा की गुफाएं इतनी खूबसूरत बनी हुई हैं कि सभी का ध्यान अपनी ओर खींच ही लेती हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आपको एलोरा की और अजंता की गुफाओं के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, अगली बार हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।